हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ जो बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाएंगे। आज हम बनाएंगे सोयाबीन न्यूट्रिला, जो भी आप यहाँ कहते होंगे, उसकी न्यू सी रेसिपी जो बहुत ही डिलीशियस और यम्मी होती है, हर किसी को बहुत पसंद आती है, बच्चों को, बड़ों को। आप एक रोटी की जगह चार रोटियाँ खाएँगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये सोया बड़ी ली हुई है। ये बहुत छोटे वाला पैकेट जो आता है ना, 10 रुपये का, ऐसे ही छोटा पैकेट आता है, वही पैकेट मैंने लिया है। अब मैंने गैस पर रख दिया एक बर्तन और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी और इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है, बस 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और जब पानी में बॉयल आने लगेगा, यानी गर्म हो जाएगा पानी, तो इसमें हम सोया बड़ी ऐड कर देंगे, डाल देंगे इसमें। और इसको हमें अच्छे से बॉयल करना है, जैसे कि सारी सोया बड़ी अच्छे से इसमें बॉयल हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। आपके घर में जैसे मेम्बर जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप सोया बड़ी ले सकते हैं। तो मैंने ये छोटा पाउच आता है ना 10 रुपये का, ऐसे ही मैंने पाउच में मंगा कर बनाया है। और देखिए पानी में बॉयल आ रहा है और हमारे न्यूट्रेला बॉयल हो रहे हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, तब तक इसे हमें अच्छे से पकाना है। तो दिख रहा है न्यूट्रेला छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, सोयाबीन कभी बड़े हो गई हैं। वो छोटे होते हैं जब बॉयल हो जाता है तो वो जो है बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो देखिए आपको कभी बड़े दिख रहे होंगे साइज़ में, ये इनको हम निकाल लेते हैं और पानी से इसको स्ट्रेन कर लेते हैं, यानी छान लेते हैं। एक बार मेरे बनाए तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैंने लिया है बाउल और उसके ऊपर मैंने रख दिया एक छन्नी और इससे हम सारी न्यूट्रेला को पानी से छान लेंगे। तो देखिए सारे सोया बड़ी को मैंने अलग कर लिया हुआ है। अब इनको देखिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएंगे, यानी हम इनको टच कर सकते हैं, ठंडे हो जाएंगे, तो इनको हम हाथों से निचोड़ निचोड़ कर जिसमें एक्स्ट्रा वाटर है ना सोया बड़ियों में, उनको हम निकाल देंगे। देखिए ऐसे हाथों से स्विच करते हुए हम सारे सोया बड़ी को अलग कर लेंगे, एक बाउल में रख लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप दही। ये बिल्कुल फ्रेश दही है, आप अगर मेज़र करें चम्मच से यानी इस टेबल स्पून से तो 3-4 टेबल स्पून दही है। इसमें मैंने डाला 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैं हाथों से क्रश करके इसमें डालती हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत सा फ्लेवर आएगा, इसको ज़रूर ऐड करिए। आप चाहते हैं आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और मैं डाला इसमें 1 चम्मच नमक। नमक ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने सोया बड़ी में नमक डाला हुआ है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा नमक हम नहीं ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो देखिए सारी बड़ी के साथ ही अच्छे से लिपट गए हैं, दही और सारे मसाले अच्छे से लिपट गए हैं। अब इसको हम साइड में रख देंगे जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से ये माइग्रेट हो जाए। इसको कवर कर देते हैं, उसको कुछ देर के लिए कवर करके हम करीब 5-10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। अब मैंने गैस पे रख दी एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप जो भी तेल यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी बड़ी इलायची हाथ क्रश करके, 2-3 छोटी इलायची थोड़ा सा क्रश करके, 2 साबुत लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च, यानी इसमें हमें खड़े मसाले ऐड करना है, तेज पत्ता और हींग। इसको हम अच्छे से पका लेते हैं जैसे कि सारे फ्लेवर ना मसालों के फ्लेवर तेल में अच्छी तरह से आ जाए। इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा 1 चम्मच। ये सारे मसाले ना सब्जी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे, तो ज़रूर ऐड करिए। और ये लौंग मैंने डाला है, इन सब चीज़ों से ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, तेल में इनका फ्लेवर आ गया है। अब मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप किया है, इसको हम ऐड कर देते हैं। और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक हमारे प्याज जो है ट्रांसलूसेंट ना हो जाए।
तो आपको दिख रहा होगा प्याज जो है ट्रांसलूसेंट होने लगे हैं, काफ़ी अच्छे से ये पक गए हैं। हमें ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। इसमें हम ऐड करते हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाकर पका लेंगे। जब तक सारे मसाले तेल ना छोड़ने लगे तब तक इन्हें अच्छे से पकाना है। तो दिख रहा है कि प्याज और अच्छे से पक गए मसाले, अच्छे से ये तेल रिलीज करने लगा है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं जो हमने सोया बड़ी को रखा हुआ था मिक्स करके, इसमें हम ऐड कर देते हैं और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम में रखेंगे। आप चाहें तो गैस की फ्लेम को कुछ देर के लिए ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दही है तो हो सकता है फट जाए, इसलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दीजिए, फिर ऑफ कर दीजिए। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे, सारी चीज़ें अच्छे से जब तक पकना जाए तब तक इसे हमें अच्छे से पकाना है। जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए और ऑयल रिलीज ना करने लगे तब तक इन्हें हमें अच्छे से पकाते रहना है। तो देखिए धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है और काफ़ी अच्छे से ये पक गए हैं। पकना क्या है, इसमें सारे मसालों को हमें अच्छे से पकाना है। ऑलरेडी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हुई हैं। अभी ऑयल रिलीज करने लगा है, यानी अच्छे से सब कुछ पक गई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, पानी उतना ही ऐड करना है जितना इस अगर आप चावल से खाना चाहते हैं, ज़्यादा करी हुई चाहते हैं तो पानी ज़्यादा ऐड करें, नहीं तो पानी कम ऐड करें। जैसे मैंने मसालों को मिक्स करके रखा तो उसमें तो पानी डाल के मैंने ऐड कर दिया और 1 कप पानी और ऐड किया, तो ज़्यादा पानी मैंने ऐड नहीं किया। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं एक बार और इसको मैं कवर कर देती हूँ। फिर नमक ऐड कर देती हूँ। नमक मैंने पहले भी ऐड किया है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया है तो नमक ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और इसको मैं कवर कर दूँगी, 5-7 मिनट के लिए कवर कर देंगे, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएँ, मसाले भी अच्छे से पक जाएँ। सोया बड़ी ऑलरेडी पका हुआ है तो मैंने इसको 5 मिनट बाद ओपन किया है। तो देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है, ना बिल्कुल डिलीशियस यूनिक सा। अब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ मैं 1 चम्मच गरम मसाला और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे से सब्जियों में आ जाए, इसके लिए मैंने इसको हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसको कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए बिल्कुल बाद में फिर से उसको ओपन किया है। तो देखिए सब्जी बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में। इसको आप रोटी के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल लग रही है ना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।